नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर विशाल पुरोहित और आपका कल्पना एस्थेटिक्स के हेल्थ इन्फॉर्मेशन सीरीज में स्वागत है। चेहरे के सौंदर्य पर बने इस वीडियो सीरीज के दूसरे वीडियो में हम संक्षेप में उन विशेषताओं पर चर्चा करेंगे जो कि एक चेहरे को सुंदर दिखाती हैं। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है और आप जानना चाहते हैं कि सौंदर्य क्या है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये वीडियो देखने से पहले पहला वाला वीडियो जरूर देखें। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझसे अक्सर कहा जाता है कि डॉक्टर, मेरा चेहरा ढल गया है, इसमें वो पहले वाली चमक नहीं रही, आप कुछ भी करके मुझे पहले जैसे सुंदर बना दो। मेरे पास जब भी कोई चेहरे की समस्या लेकर आता है तो मैं उसके हाथ में एक आईना धर देता हूं और पूछता हूं कि चलिए बताइए, आपको चेहरे के किस भाग में क्या तकलीफ है, यूं कहें कि आप चेहरे में क्या बदलना चाहते हैं। यकीन मानिए, अधिकतर लोग नहीं बता पाते कि उन्हें उनका चेहरा ढलता हुआ क्यों लग रहा है। उनके मस्तिष्क को पूरा चेहरा दिखाई दे रहा है जो कि उन्हें पसंद नहीं आ रहा, मगर वो सटीक त्रुटियां नहीं निकाल पाते। हम सब इसी तरह बने हैं। हमारा चेहरा अलग अलग इकाइयों से निर्मित है, लेकिन हमारा दिमाग पूरे चेहरे का एक साथ अवलोकन करता है। वैज्ञानिकों को हर चीज नाप तोल कर समझने का फितूर है और पिछले कई सदियों से चेहरे की खूबसूरती की गणित बिठाने में लगे हैं, लेकिन अब हमारे पास कुछ प्रमाणित विशेष आंकड़े हैं। मैं इन आंकड़ों को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। इनको समझने का ये फायदा है कि अगर आपको लगता है कि आपका चेहरा ढल रहा है या कि कम सुंदर लगता है, तो आप अपने आप पकड़ सकते हैं कि चेहरे में क्या परिवर्तन लाने की जरूरत है। कुछ चीजें हम बड़ी आसानी से बदल सकते हैं, वहीं कुछ आंकड़े बदलने नामुमकिन हैं। खैर, जो भी है, आइए एक एक करके चेहरे का सौंदर्य विज्ञान समझते हैं। सबसे पहला गुण है अनुपात, यानी कि प्रपोर्शन। इतना तो कोई भी अंदाजा लगा लेगा कि चेहरे की विभिन्न इकाइयां एक दूसरे के अनुपात में होनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा बड़ा कान देखते ही पता पड़ जाता है, लेकिन मैं यहां साफ साफ दिखने वाली त्रुटियों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं उन खास आंकड़ों की बात करूंगा जो कि हमारे मस्तिष्क को तो मालूम पड़ते हैं, लेकिन हमें जल्दी से समझ में नहीं आते। ये छोटे छोटे फर्क हैं जो किसी के चेहरे को सामान्य दिखाते हैं, वहीं किसी और के चेहरे को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। अब इस चित्र को देखिए। वर्षों के अनुसंधान में हमने पाया है कि लंबे रूप में चेहरे को तीन बराबर भागों में बांटा जा सकता है। बालों की रेखा से भौं तक का पहला भाग, भौं से लेकर के नाक के सबसे निचले स्तर तक दूसरा भाग, और वहां से लेकर ठोड़ी तक तीसरा भाग। अगर ये तीनों भाग बराबर हों तो चेहरा सुंदर दिखता है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये बोरिंग और उबाऊ जानकारी कैसे मदद कर सकती है। अगर हम पाते हैं कि हमारा माथा छोटा है, तो उचित स्तर तक लेजर हेयर रिमूवल से बालों की नई सीमा रेखा बनाई जा सकती है, माथा चौड़ा हो जाएगा। ये छोटा सरल उपचार चेहरे को तुरंत बदल देता है। या फिर अगर हमें लगता है कि चेहरे का तीसरा भाग छोटा है, यानी थोड़ी छोटी है, ज्यादा नहीं बस मामूली सी छोटी है, तो हम थोड़ी पर डर्मल फिलर लगाकर उसे बड़ा कर सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत छोटी है तो उसमें इम्प्लांट लगाकर उसे नया आकार दे सकते हैं। फिलर लगाना बहुत आसान है, एक इंजेक्शन लगता है जो कि 10 मिनट में चेहरे को सुंदर बना देता है। वैसे मैंने डर्मल फिलर्स पर डिटेल वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जरूर देखें। डर्मल फिलर न केवल थोड़ी को बड़ा कर सकते हैं, बल्कि चेहरे में और बहुत सारे परिवर्तन ला सकते हैं। अब दूसरा चित्र देखिए। क्षितिज के समानांतर यानी हॉरिजॉन्टली चेहरे को 5 भागों में बांटा जा सकता है। एक सुंदर चेहरे में नाक की चौड़ाई आंखों के बराबर होती है। अगर नाक चौड़ी है तो राइनोप्लास्टिक सर्जरी से नाक का आकार सुधारा जा सकता है। सामने से देखने पर आंख के बाहरी कोने से लेकर के कान के आखिरी छोर तक का माप आंख के बराबर हो तो सुंदर लगता है।
कभी कभी कान जरा ज्यादा उठे होते हैं, जिन्हें ऑटोप्लास्टिक सर्जरी से सही जगह बैठाया जा सकता है। वैसे देखें तो बड़े मामूली से फर्क हैं, लेकिन फिर भी एक सामान्य से दिखने वाले चेहरे को सुंदर दिखने वाला चेहरा बना सकते हैं। चेहरे की बाकी इकाइयां और उनके अंदरूनी अनुपातों पर विस्तार से हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण गुण है संतुलन, यानी चेहरे के दाएं और बाएं हिस्से में समरूपता या सिमेट्री। एक काम की बात, हमारे चेहरे और शरीर का दायां और बायां भाग पूरी तरह से एक दूसरे का हूबहू प्रतिबिंब नहीं होते हैं। पैरों की उंगलियों से लेकर आंखों तक दाएं और बाएं भाग में बड़े छोटे कई अंतर होते हैं, लेकिन फिर भी ढेर सारी समानताएं हैं। माना जाता है कि एक आकर्षक चेहरे में दाएं और बाएं हिस्से के बीच में 98% समानता होनी चाहिए, लेकिन पूरी 100% समानता नहीं होनी चाहिए, नहीं तो चेहरा कृत्रिम लगने लगेगा। इस चेहरे को देखिए, हमने चेहरे को दो भागों में बांटकर दोनों भाग इकट्ठे करके तीन अलग अलग चेहरे बना दिए। दाहिनी ओर और बाहिनी ओर जो चेहरे हैं उनके दोनों अर्धभाग हूबहू एक जैसे हैं। एक नजर में देखेंगे तो साधारण चेहरा नजर आएगा, थोड़ा गौर करके देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ तो बनावटी है। ये तस्वीर कृत्रिम है, ये हमारा दिमाग पकड़ लेता है, लेकिन ऐसा क्यों है इसका सटीक जवाब नहीं समझ में आता। खैर छोड़िए, काम की बात ये है कि चेहरे के दोनों भागों में अगर कोई बारीक अंतर है तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके सौंदर्य को कम नहीं करता। लेकिन अगर फर्क देखते ही बनता है तो उसे सुधारा जा सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण गुण है सामंजस्य या हार्मनी। इसे समझना सबसे आसान है। अगर चेहरे पर कहीं कोई चोट का निशान है तो चेहरा कम सुंदर लगता है, क्योंकि यह निशान चेहरे की समरूपता को बिगाड़ देता है। साधारण तौर पर हम जब भी किसी का चेहरा देखते हैं, हमारी आंखें सबसे पहले उनकी आंखों को देखती हैं, फिर हिलते हुए होंठ दिखाई देते हैं और अंत में चेहरा पूरा एक साथ दिखाई देता है। लेकिन अगर चेहरे पर कोई निशान है या कोई त्रुटि है तो ये क्रम टूट जाता है। सबसे पहले आंखें उस निशान पर जाती हैं, भले ही चोट का निशान हो या कील मुहासों का निशान हो। वैसे जो ये तीसरा गुण मैंने आपको बताया, इसे बताने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सबको समझ में आता है। लेकिन एक काम की बात बताने के लिए मैंने इसकी चर्चा छेड़ी है। हमें समझ में तो आता है कि किस कारण से चेहरे का सामंजस्य बिगड़ा हुआ है, लेकिन पूरी तरह से निशान गायब करना बहुत बहुत मुश्किल है। मैंने स्कार रिविजन सर्जरी पर विस्तार से चर्चा करते हुए एक वीडियो बनाया है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत संक्षेप में बात बताऊं तो अधिकतर स्कार या निशान पूरी तरह से मिटाए नहीं जा सकते। हम कॉस्मेटिक सर्जरी या प्रोसीजर की मदद से इन्हें हल्का बना सकते हैं कि ये कम नजर आए। यूं समझिए कि हम एक बुरे दिखने वाले निशान को एक बेहतर दिखने वाले निशान से बदल सकते हैं, मगर यकीन मानिए कोई जादुई इलाज नहीं होता। चेहरे के नाक नक्श की चर्चा के बाद अगले वीडियो में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम पर चर्चा करेंगे और वो है चेहरे की त्वचा के गुण। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा अगला वीडियो जरूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर आपको कुछ भी पसंद ना आए या आप और कुछ समझना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, हमें भविष्य में और बेहतर वीडियोस बनाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।